नमस्कार दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का एक बहुत अच्छा पर्पज है। काफी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो हर इंसान या हर पर्सन के लिए बहुत अहम रोल निभाता है अपनी लाइफ में। अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है, जिस पर हम नजर नहीं डाल पाते, मतलब जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते, किस चीज की है? तो आज तो आपको पता ही हुआ कौन सा दिन है। आज मदर्स डे है। माँ के बारे में कुछ थोड़ा एक दो मिनट के लिए चर्चा करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। देखो, हम ना अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें जो हमारे लिए ज्यादा, जो हमारे लिए फोकस करता है हमारे लिए, हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। चलो मैं समझाता हूँ। हमारी माँ हमारे लिए सुबह से उठ के, 4 बजे से उठ के शाम को 10 बजे तक अपने बच्चों के बारे में सोचती है, और हम सुबह से उठ के दोस्तों के बारे में, कोचिंग के बारे में, व्हाटएवर और किसी के बारे में। मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि हाँ हम लोग प्यार नहीं करते, करते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते हैं। आप सोचना, हमारी माँ 24 घंटे हमारे बारे में सोचती है लेकिन हम उनके लिए 2 मिनट भी नहीं सोच पाते हैं। सोचने का वो वाला मतलब नहीं, हम 2 मिनट उनके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं कि हम उनके लिए टाइम निकालें। चाहते तो खूब है, हम लोगों का क्या है? अगर कोई माँ ने खाना बनाया है, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो गई तो चिल्ला के बोलते हैं ये कैसा बना दिया आज तुमने। कभी माँ से ये नहीं कहेंगे कि आज खाना अच्छा बना है, चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई नेक्स्ट टाइम अच्छा बन जाएगा। हम बोल देते हैं कि हम लोग जानते हैं कि मेरी माँ मुझे सही से पहचानती है, सही से जानती है, वो कुछ हमसे नहीं चाहिए। अगर यही बात अगर हम अपनी वाइफ से कहें या किसी फ्रेंड से कहें, नहीं कहते हैं। हम लोग उससे कभी नहीं कहेंगे कि नमक थोड़ा कम हो गया, नमक ज्यादा हो गया, उससे नहीं कहेंगे। अगर हम उससे कहेंगे तो वो क्या कहेगा, खुद बना ले जाके, खुद नहीं बना सकता क्या? होता है माँ का सब जितने भी तारीफ करूं, जितने भी वर्ड बोलूं, वो कम है उसके लिए। तो आज एक बेसिक सा पर्पस है, अगर आप माँ के लिए या अपने फैमिली किसी के लिए, माँ के लिए नहीं, माँ तो बहुत ऊपर, उसके लिए कोई बात ही नहीं है, और किसी के लिए आप जिसके लिए टाइम निकालना चाह रहे हो 24 घंटे में, उसके लिए 5 या 2 मिनट एटलीस्ट उसके लिए टाइम निकालो, निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हो तो निकालो। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ठीक है, ध्यान देना जो मैंने इस बातों पर कहा है। हम लोग इतने बिजी हैं कि हम टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं, और वो भी कुछ नहीं कहती उनसे, क्योंकि वो जानती है कि मेरा बच्चा कहाँ बिजी है, वो नहीं कहती है। लेकिन अगर अपनी वाइफ या अपने फ्रेंड के लिए टाइम नहीं निकालू, वो दो दिन बाद आके आपसे कहेगा बहुत बिजी हो गया, मुझे भूलने लगा है। लेकिन कभी माँ नहीं कहती कि मेरे लिए तुमने टाइम नहीं निकाला, वो कह ही नहीं सकती है, वो समझती है तुमको, जो तुम सोचते हो वो समझती है, लेकिन दोस्त इतना नहीं समझ पाता। वो कह देगा आके 2 दिन में कि आपने मेरे लिए टाइम ही नहीं निकाला, बहुत बिजी हो गया। लेकिन माँ कभी नहीं कहेगी, कभी कह ही नहीं सकती। वो समझ सकती है तुम्हारी बात को, तुम क्या सोचते हो, वो आर्गुमेंट नहीं करती तुमसे। दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, वाइफ, सब लोग तुमसे आर्गुमेंट करेंगे, लेकिन वो नहीं करेगी, उसका लेवल बहुत हाई है। तो इस पे गौर करना, ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है। आज हैप्पी मदर्स डे है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी जितनी माँ है उनको, नमन नमन प्रणाम। ध्यान देखना इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।